हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं श्रीखंड के बारे में। हम लोग श्रीखंड का प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। श्रीखंड, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है टू लर्न द प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ श्रीखंड। इसका प्रोडक्शन कैसे, इसको बनाया जाता है, पैकेजिंग कैसे होती है, किस तरीके से पैक करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और साथ ही साथ में इसका प्रिजर्वेशन कैसे होता है, कैसे इसको प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो चलिए देखते हैं श्रीखंड का कुछ डिस्क्रिप्शन, कैसा प्रोडक्ट है, इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। श्रीखंड इज अ पॉपुलर फर्मेंटेड स्वीटेंड इंडिजिनस डेयरी प्रोडक्ट। फर्मेंटेशन से बनता है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, स्वीट है और इंडिजिनस डेयरी प्रोडक्ट है। हैविंग सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि पूरी तरीके से ये सॉलिड नहीं है और पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है, इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है एज सेमी सॉलिड फॉर्म। विद टिपिकल स्वीटिस सॉल्ट टेस्ट, कुछ मीठा खट्टा दोनों ही तरीके का टेस्ट इसमें इंक्लूडेड होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग चका विद शुगर, कलर, फ्लेवर, स्पाइसेस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक फ्रूट पल्प, नट्स एटसेट्रा टू फॉर्म सॉफ्ट होमोजीनियस मास। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने छका के बारे में पढ़ा था। छका एक टाइप का स्ट्रेंड दही होता है। हमने इसके बारे में ये भी देखा था कि ये जो छका है ये ना तो बाई प्रोडक्ट होता है ना तो इंड प्रोडक्ट होता है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। जबकि श्रीखंड की जब बनाने की प्रोसेस हो रही होती है तो उसको बनाने के बीच में छका का फॉर्मेशन होता है और फिर उसी छका को आगे प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है और उसी से बनाया जाता है श्रीखंड। अब इसमें छका के साथ में शुगर भी होता है, कलर मिक्स किया जाता है, फ्लेवर का एडिशन किया जाता है, स्पाइसेस का, मसालों का एडिशन किया जाता है और उसके अलावा बहुत से अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक की फ्रूट पल्प, इन सब को ऐड करके प्रोडक्शन किया जाता है श्रीखंड का। छका इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ श्रीखंड। श्रीखंड को बनाने की प्रोसेस में ही छका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह पे मिलता है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेमी सॉलिड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ड्रेनिंग ऑफ द वे फ्रॉम द कर्ड, जो कि छका के प्रोडक्शन की प्रोसेस है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। By acid fermentation of cows or buffalo's milk or skimmed milk or mixed or standardized milk, ये सारी बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इन पे बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं देने वाले हैं। अब देखते हैं वो डेफिनेशन जो कि दी गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन के द्वारा 2011 में। For the Shrikhand, Shrikhand means the product obtained from chaka or skimmed milk chaka to which milk fat is added. Shrikhand एक ऐसा product है जो कि chaka या फिर skimmed milk से बने हुए chaka में milk fat को add करके बनाया जाता है। अब Shrikhand के भी दो type होते हैं, एक normal होता है और एक होता है फुल क्रीम श्रीखंड। तो
तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे कि ये छका मिलके बना होता है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है और क्या क्या वैल्यू इनमें पाई जाती है, नॉर्मल स्टैंडर्ड से कितना डिफर करती है। सबसे पहला है टोटल सॉलिड। टोटल सॉलिड की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 58 और श्रीखंड में और फुल क्रीम श्रीखंड दोनों में ही ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर ही पाई जाती है, दैट इज 58% होती है। नेक्स्ट आता है मिल्क फैट। परसेंटेज में यहाँ पे बात कर रहे हैं मिल्क फैट की, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 8.5। अगर बात करें हम श्रीखंड की तो श्रीखंड में स्टैंडर्ड वैल्यू ही पाई जाती है, लेकिन फुल क्रीम श्रीखंड जो होता है उसमें ऑब्वियसली बात है जब क्रीम का अमाउंट बढ़ेगा तो मिल्क फैट भी बढ़ जाएगा। अगला आता है मिल्क प्रोटीन का परसेंटेज। मिल्क प्रोटीन का परसेंटेज जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 10.5, जबकि जो श्रीखंड होता है उसमें प्रेजेंट होती है ये वैल्यू 9% और फुल क्रीम श्रीखंड में यही वैल्यू होती है 7%। नेक्स्ट आता है टाइट्रेटेबल एसिडिटी मैक्सिमम। मैक्सिमम एसिडिटी की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू 1.4 है और श्रीखंड और फुल क्रीम श्रीखंड दोनों के ही लिए ये वैल्यू एकदम सेम रहती है। नेक्स्ट आता है सुक्रोज। सुक्रोज परसेंटेज वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वो है 72.5 और श्रीखंड और फुल क्रीम श्रीखंड दोनों में ही सुक्रोज की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के ही बराबर पाई जाती है। अगला आता है टोटल ऐश। टोटल ऐश परसेंटेज जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 0.9 और दोनों में ही श्रीखंड और फुल क्रीम श्रीखंड में ये वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यू के ही बराबर होती हैं। अगला आता है कोलीफॉर्म काउंट। कोलीफॉर्म काउंट कितना ऐड किया जा सकता है, इसकी वैल्यू तो 10 होती है लेकिन श्रीखंड और फुल क्रीम श्रीखंड दोनों में ही इसकी वैल्यू एब्सेंट होती है। इसके अलावा ईस्ट एंड मोल्ड दोनों की वैल्यू का स्टैंडर्ड वैल्यू 50 है जबकि दोनों में ही ये एब्सेंट होता है। तो ये तो कुछ पर्टिकुलर्स हो गए, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए जो कि प्रेजेंट होते हैं श्रीखंड में और श्रीखंड की एक फॉर्म फुल क्रीम श्रीखंड में। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन पे। जैसे कि हमने अभी तक सारे हमारे जितने लेक्चर्स हैं उनमें देखा कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मेथड को। ट्रेडिशनल मेथड ज़रूरी होता है क्योंकि चीज़ें शुरुआत तो वहीं से हुई होती है, कहीं ना कहीं से जब लोगों ने बनाना सीखा उसको, तो ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे और फिर उसके बाद में हम इंडस्ट्रियल मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेकिंग श्रीखंड। पहला पॉइंट, ट्रेडिशनली श्रीखंड इज प्रिपेयर्ड बाई बॉइलिंग काउ और बफेलो और मिक्स्ड मिल्क। देखिएगा, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क या दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ किसकी क्या बताया जा रहा है, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है। जो प्रोसेस है लास्ट लेक्चर से ही हम समझ सकते हैं कि श्रीखंड के बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई है, क्योंकि श्रीखंड को बनाने के लिए छका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है आप ये समझ लीजिए ये श्रीखंड के ही प्रोडक्शन का पैराग्राफ दिया गया है। तो श्रीखंड को बनाने के लिए सबसे पहले मिल्क को बॉयल किया, फिर उसको कूल किया 30 डिग्री टेम्परेचर पे। इसके बाद में जो हीटेड और कूल्ड मिल्क है इस दिन एडेड विद प्रीवियस डे दही एट द रेट ऑफ 0.5 to 1%।
अब इस मिल्क को प्रीवियस डे जो पहले से रखी हुई दही है उसके साथ में मिक्स किया गया, और रेट 0.5 to 1% तक, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे तो एसिडिटी आ जाएगी। मिल्क इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवरनाइट। अब मिल्क को पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं एट रूम टेम्परेचर टू सेट फॉर्मली, ताकि ये प्रॉपरली सेट हो जाए। इट इज़ देन स्टायर्ड एंड हंग इन अ मसलिन क्लॉथ फॉर 10 to 12 hours टू ड्रेन ऑफ वे। अब यहाँ से क्या करते हैं इसको, आप ये समझ लिए चका प्रोसेस का एक तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में रिविजन ही हो रहा है। यहाँ पे इसको स्टायर किया जाता है, फिर उसको हंग कर दिया जाता है, ताकि उसका जो भी जो लिक्विड फॉर्म है, जो वे है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो वहाँ से रिमूव हो जाए। उसके बाद में क्या होता है, द कर्ड मास ऑब्टेंड आफ्टर रिमूवल ऑफ वे इज कॉल्ड एज छका। अब जो कर्ड हमको मिल गया वो छका ही बनकर रेडी हो गया। अगर आप इसका डिटेल प्रोसेस पढ़ना चाहते हैं तो आप छका वाले लेक्चर पर जाइए, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी होगा, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। छका इज देन एडेड विद कैलकुलेटेड अमाउंट। अब इसके आगे की प्रोसेस पे हम चल रहे हैं श्रीखंड बनाने की। अब छका जो बनकर रेडी हो गया है उसमें 40 to 45% वेट बाई वेट ऑफ शुगर, कलर, फ्लेवर एंड अदर ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स। अब इनमें क्या किया गया, जो छका बनकर रेडी हुआ उसमें एडिशन किया जाता है बहुत सी चीज़ों का, जैसे कि शुगर का एडिशन है, कलर, फ्लेवर और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लाइक फ्रूट, नट, स्पाइसेस, हर्ब्स, इतनी सारी चीज़ों को एडिशन करके इसको कूल किया जाता है 10 degrees centigrade या फिर इससे भी ज़्यादा कम टेम्परेचर पे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि इसकी कूलिंग की जा रही है, इसकी फ्रीजिंग नहीं की जा रही है। The chaka obtained from whole milk or standardized milk has a smooth body. अब इस तरीके से जो छका बन के रेडी हुआ है, जो होल मिल्क से या स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क से आप इसे बना रहे हैं, तो काफ़ी स्मूथ बॉडी का बनता है। वेयर एज द वन ऑब्टेंड फ्रॉम स्किम मिल्क इज़ अ लिटिल रफ। जो स्किम मिल्क से बनता है वो थोड़ा सा रफ होता है और ड्राई होता है। अब ऐसा होता क्यों है, दिस इज़ मेजरली ड्यू टू लेस फैट इन द कर्ड। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कर्ड बना है इसकी मिल्क से, उसमें फैट की मात्रा थोड़ी सी कम रहती है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ श्रीखंड। अब देखते हैं हम किस तरीके से इंडस्ट्रियल स्केल पे श्रीखंड का प्रोडक्शन किया जा रहा है। श्रीखंड इज द फर्स्ट ट्रेडिशनल मिल्क प्रोडक्ट फॉर विच लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वॉज एडॉप्टेड। श्रीखंड ऐसा पहला मिल्क प्रोडक्ट है, ऐसा पहला ट्रेडिशनल मिल्क प्रोडक्ट है जिसके लिए इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको प्रोड्यूस करने के लिए तरह तरह की टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया गया। द फर्स्ट मॉडर्न प्लांट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एट द बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। सबसे पहला जो प्लांट बनाया गया श्रीखंड के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, वो बनाया गया बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में, और इसका नाम था बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। बड़ौदा डेयरी हैज़ एडॉप्टेड अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ बास्केट सेंट्रीफ्यूज, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, फॉर स्पीडी ड्रेनिंग ऑफ वे एंड प्लेनेटरी मिक्सचर फॉर नीडिंग एंड मिक्सिंग पर्पस। बास्केट सेंट्रीफ्यूज पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लेनेटरी मिक्सचर आज देखते हैं क्या होता है।
On industrial production of Shrikhand, fresh skim milk is used as a raw material. इसके लिए श्रीखंड के प्रोडक्शन के लिए फ्रेश स्किम मिल्क का यूज़ किया जाता है जो कि रॉ मटेरियल की तरह वर्क करता है. यूज ऑफ स्किम मिल्क हैज़ गॉट मेनी एडवांटेजेस एज लिस्टेड बिलो. स्किम मिल्क के कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे कि फैट लॉसेस आर एलिमिनेटेड, इसमें फैट लॉस नहीं होता है. फॉस्टर मॉइस्चर एक्सपल्सन, मॉइस्चर जल्दी से ही एक्सपल्सन कर दिया जाता है इसका. इसके अलावा लेस मॉइस्चर रिटेंशन, मॉइस्चर बहुत ही कम अमाउंट में बचता है. अब आगे प्रोसीड करते हैं. स्किम मिल्क इज हीटेड टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट. 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्किम मिल्क को हीट किया जाता है आधे घंटे के लिए. इसके बाद में इसको कूल किया जाता है टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इसका इनोकुलेशन किया जाता है विद LF40 कल्चर. LF40 मतलब लैक्टोकोकस लैक्टिस की सब स्पीसीज होती हैं इनमें और यही आगे फर्मेंटेशन का वर्क करती हैं. आफ्टर द रिक्वायर्ड एसिडिटी ऑफ 0.8 to 1% lactic acid is reached, the curd is taken into basket centrifuge or quartz separator to remove whey from the curd. जब इसकी required acidity पहुँच जाती है, जब proper जितना fermentation चाहिए होता है, उतना fermentation हो जाता है, उतना lactic acid की concentration बन जाती है, तब curd को basket centrifuge में लिया जाता है या क्वार्ज सेपरेटर में लिया जाता है ताकि वे को कर्ड से रिमूव कर दिया जाए. दस प्रोड्यूस्ड कर्ड मॉस और छक्का इज टेकन इनटू प्लेनेटरी मिक्सचर और स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर. अब जो कर्ड मॉस बना है, जो छक्का बना है, उसको प्लेनेटरी मिक्सचर में लेके जाया जाता है. प्लेनेटरी मिक्सर क्या होते हैं? इसके अलावा प्लेनेटरी मिक्सर के अलावा स्क्रैप्ड सरफेसेस पर भी लेके जाया जा सकता है. इससे क्या होता है? टू दिस छक्का शुगर एट द रेट ऑफ 80% वेट बाय वेट कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्लास्टिक क्रीम दैट इज 80% फैट टू गिव एट लीस्ट 8.5% FDM in the finished product is added and mixed thoroughly. Planetary mixer में जब जाता है तो ये सारी चीज़ों का addition किया जाता है. Sugar का addition होता है, plastic cream का addition होता है और उनके बाद में इनको proper mixing की जाती है planetary mixer में. या फिर scrapped surface heat exchanger का भी use किया जाता है इसके लिए. अब सारी चीज़ों को थोरोली मिक्स कर लिया जाता है. ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स लाइक कलर, फ्लेवर, फ्रूट्स, नट्स एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी एडेड एट दिस स्टेज. अब ये जो मिक्सिंग वाली स्टेज है प्लेनेटरी मिक्सर में जब चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो उस स्टेज पे इन सारी चीज़ों को भी, जो एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको भी ऐड किया जा सकता है ताकि ये सारी चीज़ें भी प्रॉपरली मिक्स हो जाएं. देन इट इज पैक्ड एट रूम टेम्परेचर. इसकी पैकिंग रूम टेम्परेचर पे की जाती है एंड स्टोर्ड एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर. रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है that is less than 7 degree centigrade. Yield of chakka prepared from the above process is about 20%. अब इस प्रोसेस से जो छक्का बनता है वो बनता है लगभग 20% एंड yield of श्रीखंड इज 38.5%. इससे 38.5% तक छक्का का प्रोडक्शन होता है.
यहाँ पे प्रोसेस देके रखी है। सबसे पहले क्या होता है, स्किम मिल्क को लिया जाता है 100 kg, एक ये वैल्यू देके रखी है, ये वैल्यू वैरी भी कर सकती है इंडस्ट्रियल स्केल पे, डिपेंड करता है कि किस स्केल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा मात्रा का आपको प्रोडक्शन करना है। तो 100 kg तक यहाँ पे स्किम मिल्क को लिया गया, 9% टीयर्स एंड 0.13% लैक्टिक एसिड एंड 6.7 pH, इन सारी चीज़ों को ले लिया गया, सारी वैल्यूज़ को इसी रेशियो में। इसके बाद में इसका हीट ट्रीटमेंट किया गया एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, दैट इज 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट ट्रीट किया गया। नेक्स्ट स्टेप में होता है इसकी कूलिंग की जाती है, कूलिंग होती है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कूलिंग के बाद में ये प्रॉपरली सेट हो जाता है। इसके बाद में इसमें इनोकुलेशन किया जाता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस स्पीसीज का। अब जो एडिशन किया गया इसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, और इसकी और भी बहुत सारी सब स्पीसीज हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही आप किसी इनोकुलम को ऐड कर देंगे, और इन कल्चर्स को LF40 भी बोला जाता है। अब इनका कंसंट्रेशन जो एसिड का बनता है वो 1 to 1.5% तक होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो इनोकुलेशन है इसका इंक्यूबेशन होता है। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को इंक्यूबेट करना, मतलब कि उनको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देना ताकि वो अपनी ग्रोथ कर पाएँ, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाएँ। जो भी कल्चर का इनोकुलेशन किया गया है, इनोकुलेशन का मतलब होता है कि कल्चर को या बैक्टीरिया जो भी आप ऐड कर रहे हैं उनको ऐड करना। अब इसको इंक्यूबेट होने के लिए छोड़ा जाता है लगभग पूरी रात के लिए, 10 से 12 घंटे के लिए। अब यहाँ से बनके रेडी होता है दही। दही इसमें कंसंट्रेशन होती है 0.9% तक लैक्टिक एसिड की, और अगर इसके पीएच की बात करें तो पीएच होता है 4.6। अगले स्टेप में बास्केट सेंट्रीफ्यूज की मदद से इससे वे को रिमूव कर दिया जाता है। बास्केट सेंट्रीफ्यूज की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये लगभग 900 रोटेशन पर मिनट करता है, और इसको लगभग 90 मिनट तक किया जाता है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से छका बन के रेडी होता है। छका 20 kg ऑफ 25% टीयर्स, टीयर्स इन छका इज 5 kg। अब ये जो छका बन के रेडी हो गया है, इसकी टाइट्रेबल एसिडिटी कितनी रहती है, 2.1 to 2.2%, और इसका पीएच रहता है 4.4 to 4.6 तक। अब जो छका रेडी हो गया है इसको प्लेनेटरी मिक्सर में डाला जाता है। प्लेनेटरी मिक्सर का काम होता है मिक्सिंग का, ये मिक्स करता है, और इसकी स्पीड होती है 35 से 45 रोटेशन पर मिनट, और ये लगभग 40 मिनट तक किया जाता है। इसके साथ में ही प्लेनेटरी मिक्सर में क्रीम, फैट, शुगर और भी बहुत सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स, फ्रूट्स, नट्स, आप जो भी चाहते हैं उन सब का एडिशन किया जाता है। अब इसी के साथ में श्रीखंड का प्रोडक्शन होता है। ये प्लेनेटरी मिक्सर में सारी चीज़ें प्रॉपरली मिक्स हो जाती हैं और श्रीखंड बन जाता है। श्रीखंड की जो वैल्यूज़ होती हैं, लाइक पीएच है, फैट है, सुक्रोज है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इनको भी रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। अब जो श्रीखंड बन के रेडी हो गया है उसकी पैकेजिंग की जाती है एट रूम टेम्परेचर। पैकिंग के लिए रूम टेम्परेचर का ही यूज़ हो जाता है, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए टेम्परेचर लो चाहिए होता है। इसका स्टोरेज किया जाता है लेस देन 7 degree centigrade पे। तो ये तो हुई छका श्रीखंड के प्रोडक्शन की प्रोसेस। अब देखते हैं पैकेजिंग ऑफ श्रीखंड।
As Shrikhand is a semi-solid product, heat sealable polystyrene cups of 100 gram to 1000 gram capacity are commonly used for packing Shrikhand. इसको कप्स का यूज़ किया जाता है, 100 से लेके 1000 ग्राम तक के कप्स का यूज़ होता है श्रीखंड की पैकिंग के लिए. However, small manufacturer sell the product in wax coated paper board boxes. जो छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं ये वैक्स कोटेड पेपर में भी इसको सेल करते हैं. हाई स्पीड फॉर्म फिल सील मशीन्स और ऑल्सो अवेलेबल टू पैक अप टू 6000 कप्स पर आवर. ऑटोमेटिक पैकिंग के लिए हाई स्पीड की मशीनें आती हैं जो कि 6000 कप्स को एक घंटे में पैक करने की कैपेसिटी रखती हैं. अगला आता है शेल्फ लाइफ ऑफ श्रीखंड. ड्यू टू बोथ हाई एसिड एंड शुगर लेवल श्रीखंड हैज़ अ फेयरली लॉन्ग शेल्फ लाइफ. इसकी शेल्फ लाइफ, इसका जो जीवन काल होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि इसमें एसिड और शुगर दोनों ही प्रेजेंट हैं, और इसका शेल्फ लाइफ हो जाता है 30 to 40 डेज का, और टेम्परेचर इसके लिए लेकिन होना चाहिए 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक. और अगर 30 डिग्री का टेम्परेचर इसको दिया जा रहा है तो ये लगभग 2 से 3 दिन तक सेफ रहता है, खाने के लायक रहता है. द सेल्फ लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन द इनिशियल लेवल ऑफ कंटेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली ईस्ट एंड मोल्ड्स. अब जो सेल्फ लाइफ है ये डिपेंड करती है कि इसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ईस्ट है, मोल्ड है, बैक्टीरियाज हैं, ये सब प्रोडक्ट को डिग्रेड करने लगते हैं जल्दी ही, इसलिए उनकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है. द सेल्फ लाइफ ऑफ श्रीखंड कैन बी इंक्रीज्ड बाई एडिशन ऑफ पोटेशियम सॉर्बेट और बाई थर्मीजेशन एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स. ये कुछ प्रोसेस हैं जिनके थ्रू सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सकता है, कपल्ड विद एडिशन ऑफ 0.02% सॉर्बिक एसिड. थर्माइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके साथ में सॉर्बिक एसिड को ऐड करके इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है. फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस पाश्चराइजेशन ऑफ श्रीखंड एट 650 नहीं है, ये है 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट एंड सब्सिक्वेंट फ्रीजिंग कैन इंक्रीज द सेल्फ लाइफ अप टू 12 मंथ्स एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज माइनस 18 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इंडस्ट्रीज में जो पाश्चराइजेशन होता है श्रीखंड का, और इसके बाद में पाश्चराइजेशन के बाद में इसकी फ्रीजिंग की जाती है, इसलिए इसको लगभग 1 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है. अब कुछ इनोवेशंस होते हैं जिनका यूज़ होता है इन द केस ऑफ श्रीखंड. तो इनोवेशंस है यूज़ ऑफ बास्केट सेंट्रीफ्यूज और क्वार्ट्ज सेपरेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ छका. अगला है यूज़ ऑफ प्लेनेटरी मिक्सर और स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर फॉर मिक्सिंग छका. आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा स्टार्टर कल्चर का यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ श्रीखंड यूजिंग UF छका, इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रूट फ्लेवर श्रीखंड, एंड इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ श्रीखंड यूजिंग लो कैलोरी स्वीटनर. So thank you very much everyone for watching this session.